जिला स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की एक अहम बैठक धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों की संख्या में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक उपस्थित हुए। बैठक में पंचायत स्वयंसेवकों ने सरकार से स्थायी मानदेय की मांग की और स्थायी मानदेय लागू नहीं किए जाने की स्थिति में जोरदार आंदोलन करने की बात कही। स्वयंसेवकों की 11 सूत्री मांग में प्रमुख ये है, उचित मानदेय के अलावा इनके रिटायरमेंट की सीमा 60 वर्ष करने, पंचायत में चलने वाले सभी विकास कार्यों में पंचायत सेवकों के हस्ताक्षर को सुनिश्चित करने, पीएम आवास योजना में स्वयं सेवकों के द्वारा जियो ट्रैकिंग के कार्य करवाने, कार्य के दौरान मृत्यु पर 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग प्रमुख थी। सचिवालय स्वयं सेवक का जिला स्तरीय विस्तार करने के लिए और मजबूती के साथ जिला का संचालन के लिए हम लोग जिला कमेटी का बैठक पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के द्वारा रखे हैं। हमारा नियुक्ति 2 साल तक होने के बावजूद सरकार जो है हम लोग पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही है, ना कि हमको पंचायत में जो काम मिला है वो सही से हम लोग को मिल रहा है, ना कि सरकार हम लोगों के बीच में प्रोत्साहन राशि जो निर्धारित की है वो मिल रहा है। कुछ प्रोत्साहन राशि हम लोग को सरकार आदेश दिया है, पंचायत स्तर में हम लोग जो काम किए हैं, प्रखंड स्तर के सारे पदाधिकारी हमको सत्यापित करने के लिए पंचायत स्तर में भेजते हैं, मुखिया के समक्ष, पंचायत सेवक के समक्ष आप सत्यापित करके लाइए, तब आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आने वाला समय में हम लोगों का स्थिति अगर ऐसे ही रही तो आपको आने वाले समय में ये जो कमजोर आपको लग रही है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ, वो आपको ताकत दिखाने का काम करेगी, आपको हिलाने का।